बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दीशर अफ्ताब नासर जी। डी स्टूडेंट नासर छोटा सा टॉपिक है जी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है? ठीक हो गया। द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू पेयर इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वैल्यू। जितनी मरतबा दिए गए मवाद में कोई कदर पाई जाती है, कोई भी नंबर पाया जाता है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ 3 स्टूडेंट गेट मार्क्स फ्राम 10% टू 20%। 3 स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पर 3 स्टूडेंट हमारे पास, वो 10% से 20% तक उनका जो है उनके वो नंबर हासिल करते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज़ 3, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 3। इसी तरह इफ़ 5 स्टूडेंट गेट मार्क्स फ्राम 20% टू 30%, अगर 5 स्टूडेंट जो हैं वो 20 से 30% जो है ना फ्रीक्वेंसी जो है मार्क्स हासिल करते हैं, मतलब 5 तुलबा ऐसे हैं जो 20 से 30% तक नंबर हासिल करने वाले हों, तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ 5। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5। तो इस चीज़ की हमें समझ आ गई कि जितनी दफ़ा दिए गए मवाद में कोई कदर पाई जाती है, मतलब 50 से लेकर 100 के दरमियान कितने स्टूडेंट आ रहे हैं जिन्होंने 20% नंबर हासिल किए हैं, तो फ़र्ज़ करें कि 50% से 80% के दरमियान 50 ऐसे स्टूडेंट हैं, 50% 80% 50 स्टूडेंट जिन्होंने 80% नंबर 50 से 80% के दरमियान नंबर हासिल किए हैं, तो वो जो 50 होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक हो गया। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी का, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।